إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई. मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब को मरहूम कहते कलेजा मुँह को आता है. 18 नवंबर सन 2022 की शाम ने पैगाम दिया कि कैदे बेजुर्म के इस माहौल में जब हर कोई तन्हाई में आफियत तलाश करता है तो दीनी मुहाफिज की जान दर्स व तदरीस की शान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब ने तन्हाई की चादर ओढ़ ली. मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब 87 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए. ये खबर न सिर्फ दारुल उलूम कराची में सफ़े मातम बिछा गई बल्कि एक आलम को सोगवार कर दिया. मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के बिरादर कबीर और पाकिस्तान के मशहूर दीनी दरसगा दारुल उलूम कराची के रईस जामिया थे, जिन्होंने फितनों के इस अंधेरे दौर में तकरीबन 60 साल तक उम्मत मुस्लिमा की तरबियत का फरीजा अंजाम दिया. अपनी खुशियों को पसे पुष्ट डालकर अपनी ज़िंदगी का मकसद दीन इस्लाम की इशाअत बनाया. इखलास व लिल्लाहियत के साथ एक तवील अरसे तक दारुल उलूम कराची में अपनी खिदमत अंजाम दी. अल्लाह ताला इस खिदमत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे. जुमा के इस मुबारक दिन में आपकी पाकीज़ा रूह अपने पीछे करोड़ों मोहब्बत करने वालों को गमज़दा छोड़कर जन्नतुल फिरदौस की जानिब चल बसी. मगर क्या करें, सबसे बड़ी हकीकत यही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.